देख रहे अली टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ अबाद मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, जहाँ पे जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं, फायर एंड इमरजेंसी के जो एक्सपीरियंस है काफी टाइम से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक और इंसाफ के लिए। जम्मू से लेकर श्रीनगर कई बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सरकार के सामने मुतालबा ये रखा, बिलाखिर सरकार सुनती क्यों नहीं हमारा। बार बार ये एक्सपीरियंस मजबूर क्यों होते हैं सड़कों पे आने के लिए, बार बार ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। अगर इनकी जायज डिमांड है तो सरकार क्यों नहीं सुनती, ये इन लोगों का सवाल है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्यों नहीं सरकार टसेमस होती है। जी, मेरा नाम शोएब मोहम्मद है, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। मैं भी इस फायर से ड्रॉप आउट का एक एस्पिरेंट हूँ। हमारा मुद्दा यही है, गवर्नर साहब ने अगर इस पे 3 मेंबर कमेटी इनिशिएट की थी, बैठाई थी, जिसमें हैदर भाई आर के गोयल साहब उसको कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया था। बदकिस्मती से आज 6ठा महीना चल रहा है लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है, इसीलिए हमने आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा है। बड़ी बदकिस्मती है, हमारा एक बैनर पे एक पुलिस अफसर ने यहाँ पे छीन कर उसको फाड़ दिया है। हम अनर्बल यूथ है, हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करें और कुछ वो बैनर नहीं चलाए। हमारी डिमांड यही है, अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुए, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, हम कोई नौकरी नहीं चाहते इनसे। इंसाफ किस टाइप का आप चाहते हैं? देखिए, आप कहते हैं नौकरी नहीं चाहिए, फिर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, फिर आप सड़कों पे क्यों? सर, ये जो स्कैम है इसको मदरा फॉल स्कैम कहा जाता है सर। इसमें एक भी बंदा अपने दम से नहीं लगा है, हमारे पास तथ्य सबूत है, हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, जो हमने ऑलरेडी आर के गोयल साहब को पहुंचा है, 3 मेंबर कमेटी को, जो अच्छी तरह से पता है, लेकिन पता नहीं अंदर क्या कौन सी धांधली चल रही है। एक एक सबूत इकट्ठा करके इनको हमने भेजा है, जो कमेटी का काम था वो हमने करके दिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अगर इन्होंने इस पे कमेटी बिठाई थी जिसको दिया गया था 31 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक टाइम पीरियड, लेकिन बदकिस्मती से आज 6ठा महीना चल रहा है, वही कमेटी जो एफडब्ल्यूए में, जो जल शक्ति में, जिन्होंने सिर्फ 1 महीने में अपना काम सरंजाम लाया, लेकिन यहाँ पे 6ठा महीना चल रहा है, बदकिस्मती से पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आज तक इन प्रोटेस्ट में शामिल हुए जब इनको यह आश्वासन दिया गया कि आपका मसला हल होगा, मगर आज तक मसला क्यों हल नहीं हुआ? 6 महीने से ज्यादा टाइम इनको हो गया जम्मू से लेकर श्रीनगर तक प्रोटेस्ट करते हुए, हर कोई लीडर आया तो बात तो सबने की, मगर मसला वही का वही रह गया। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, इससे पहले आपने जम्मू में प्रोटेस्ट किया था तब वाजपेयी ने आपको आश्वासन दिलाया कि मसला हल होगा, अभी तक मसला क्यों नहीं हल होगा, वजह क्या लग रही है आपको? सर, असल में इसके पीछे एक बड़ा कारण है, जो भी इस बीजेपी के जो मेंबर्स थे उन्होंने हमें और पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने हमें वादा दिया कि आपके साथ इन सब जल्द अज जल्द हो जाएगा, और अब समझ में नहीं आता इतनी बड़ी मगरमच्छ कौन से इसमें फंसे हुए हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स इसके पीछे है जो जिन्होंने इतनी पकड़ इसमें रखी है तो वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही है। ये कॉरप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन इनको उनको हाथ नहीं पकड़ती, उनके कॉलर नहीं पकड़ती,
होती है, तो फिर क्या फायदा था इस कमेटी को कंस्टिट्यूट करने का? क्या फायदा था गवर्नर को हमारा ये टाइम जाया करने का? क्या फायदा था गवर्नर को हमको सड़कों पर बिठाने का सर? तो जब ये बार बार हम जब उनके ऑफिस विजिट करते हैं, वो हमें बार बार बोलते हैं 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद हमारे ऊपर वर्किंग लोड है, G20 समिट थी, कुछ और भी बातें बोलते हैं और हमें डिले किया जाता और हमें मजबूर सड़कों पर खड़ा करते हैं। बार आपको इंश्योर किया गया आपका मामला हल होगा, आपका मसला जो है वो हल होगा, आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप आराम से बैठ लीजिए। हाय 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 हाय